गाइस, आज हम अपने कस्टमर के पास जा रहे हैं और जो हमारे प्यारे कस्टमर हैं ना, उनकी टाइमिंग की वजह से ना हम थोड़ा सा हो गए थे लेट। और मैंने कहा इस टॉपिक पे वीडियो बना लूँ, क्योंकि हमारे कस्टमर का क्या बिहेव होगा और कैसा होगा इस टॉपिक पे। मैंने कहा प्यारे भाई को एक वीडियो से बना दीजिए, क्योंकि हमें आगे चल के खामोशी से मैं एक वीडियो बना लूँगा। तो बस आपने वीडियो ज़रूर देखनी है। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, यूट्यूब चैनल है जीने कारवा, जैसा कि हमारा होम सर्विस है। और ये प्यारे भाई जो है सिरेमिक कोटिंग और कंप्लीट डिटेलिंग करवाने आ रहे हैं, तो उन थोड़ा सा हम लेट हो गए इस बिहेव से। हम आपको एक छोटी सी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक। आपकी YouTube पे वीडियो लगाएंगे। वो ये कि मैं थोड़ा सा ना नोट कर रहा था कि हम इतने लेट हो गए हैं और हमारे आने वाले कस्टमर का क्या बिहेव होगा, कि हमारे से क्या करेंगे। हम उस टॉपिक पे भी एक वीडियो बना लेंगे कि चलो कोई बात नहीं, होती है गलतियां होती हैं हमारे साथ, तो हम इस पे भी एक वीडियो बना लेंगे। हमारे लिए तो वीडियो कस्टमर आके देखता है ना, व्लॉग नहीं देखता है, मुझे बढ़िया की वीडियो देखते हैं लोग। हाँ जी, तो वो ये चीज को फॉलो करते हैं, पता नहीं है। हाँ, देखते हैं जी, तो ये चीज को देख रहे होते हैं। मैं ऐसे तो अभी तो वीडियो बना सोच रहा था कि मैं चलो इस व्लॉग पे बना ले, चलो कोई नहीं। अच्छी बात है। हाँ जी, वीडियो देख के ना कस्टमर बहुत आपके पास आता है। हाँ जी, ऐसे ही है सर। ये बात है, देखो आप KFC जो ब्रांड है, बेसिकल क्या चीज है, इतना बड़ा सेटअप नहीं है। हाँ जी, उसका ना इंटरव्यू आया था, उसका ना यहाँ पे सिग्नल आएगा, वहाँ से लेफ्ट होना है। तो उसने कहा था कि मेरी जो शॉप है ना, शॉप जी जी, वो है टोटल 150 क्या नाम है डॉलर की, $150 की। सही सही। मैंने पब्लिसिटी की है $250 की। सही। इसलिए ये ब्रांड बिक रहा है, ब्रांड बिक रहा है। पब्लिसिटी बहुत जरूरी होगी, बहुत जरूरी होगी, बहुत जरूरी। गौरव ने तो बहुत पहले चीज को समझा हुआ था ना जी। जी जी, तो अब तो जो है ना क्या नाम है, लोग अब आए हैं पाकिस्तान के ना जी, इसकी तरफ क्या नाम है, पब्लिसिटी की तरफ। KFC अभी क्या कहने का मकसद है, कितना बड़ा सेटअप नहीं है ये, सेटअप ज्यादा नहीं होगा जी जी। मेरा ख्याल है ये 4 से 5 लाख हो गए। पब्लिसिटी कितनी है, लाखों में, लाखों में। आपकी पब्लिसिटी जितनी होगी उतना कम मजा आएगा। ऐसे ही है सर जी, ऐसे ही है बिल्कुल। मुझे इस जोक का आइडिया नहीं, नाम का ना आइडिया नहीं था ज्यादा। हम हाँ जी, इधर जाइए, एक्सपो सेंटर ठीक हो गया है। ये पहला कट आएगा आगे से ना, यहाँ से हमने नीचे होना है, लेफ्ट होना। बस 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 बस, ये आगे आगे नजर नहीं आएगा, अचानक ही आ जाता है। ये वो बाइक आ रही है, वो सामने जोरो कार के, वो फ्रेंड है ना काफी पुराने, माशाल्लाह इनकी भी बड़ी अजीब सी स्टोरी आप सुनेंगे तो। अच्छा जी। हाँ जी, ये माशाल्लाह ये बहुत ही मेहनती बच्चे हैं भाई, मेहनत के फल मिलता है। क्योंकि ये भी मुझसे, मैं तो इनका पुराना दोस्त हूँ। जी जी, ले बस बस ठीक है ठीक है, वॉश कर ले बस ठीक है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, थोड़ी आगे आने दें, थोड़ी। इसमें हमने इंटीरियर सारा कंप्लीट खोल दिया है, और इंटीरियर के अंदर जो भी चीज़ें हैं मैं आगे चल के दिखाता भी हूँ। और इसकी आज सिरेमिक कोटिंग करने वाले हैं, और इसके ऊपर पेंट प्रोटेक्शन भी है, स्क्रीनिंग भी है साथ साथ, और इसमें आपको प्रॉपर वीडियो भी मिलेगी। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलते हैं आगे रूम की तरफ हैं। डैशबोर्ड की मेन मेन जो चीज़ें आपके ऊपर के हिस्से में होती हैं, तो वो खोल दी गई हैं। AC ग्रिले वगैरह, AC ग्रिल भी चार ही निकाल दी गई हैं, तो ये भी निकाल के अच्छे तरीके से इसको क्लियर वॉश हो जाएंगी। तो आपका जो नीचे कारपेट का हिस्सा है, वो भी हमने 00 सारी चीज़ें निकाल दी गई हैं, जैसे कि साइडों के इंटीरियर हो गए, पापी जिसे कहलाया जाता है, ये भी साइडों के हैं। उसके बाद नीचे तक आपके नीचे सारी फर्श आपका अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया जाएगा, और अच्छे तरीके से वॉश भी हो जाएगा। जैसा कि ये अंदर के रूम की जो चीज़ें हैं वो तो हमने निकाल दी हैं क्लीनिंग, और डिग्गी की तरफ आते हैं। डिग्गी की भी हमने 8Z जो चीज़ें हैं, साइडों के कपड़े
टायरों के फटे वगैरह टायर जितनी भी चीज़ें हैं ये कि आपको दस सही मालूम हो जाती है और अच्छे तरीके से क्लीनिंग कर सकते हैं। वीडियो को देखते रहिएगा पूरा एंड तक क्योंकि आप लोगों को नई से नई इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं प्रॉपर। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करिए क्योंकि ये हमारे लिए हौसला अफजाई होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। गाइस कैसे हैं, खैरियत से होंगे। आज हमारी टोयोटा जो मार्क ग्रैंडी गाड़ी है उसमें आज हम आपको उसकी बारे में बताएंगे और उसकी जो मालूमात है मेरा काम जो है वो कार डिटेलिंग का काम है। मेरे पास जो गाड़ियां आती हैं माशाल्लाह काफ़ी हर किस्म नई से नई आती हैं। तो ये 2007 मॉडल है, इसकी क्या मजबूती है, क्या चीज़ है, पुराना मॉडल का अपना ही एक अंदाज़ है जी। तो चलते हैं आगे गाड़ी की तरफ, वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। तो अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी तो बजानी क्योंकि हम न्यूज़ से इन्फॉर्मेशन लेंगे। चलते हैं गाड़ी की तरफ, गो। अब आ चुके हैं गाड़ी की तरफ और जो गाड़ी है हमारी, चलते हैं गाड़ी को दिखाते भी हैं। जैसा कि ये देख रहे हैं ग्रैंडी गाड़ी है और मार्क 2007 मॉडल और इसकी जो मजबूती इन्होंने डाली है, गाड़ी जेन्युइन है, बिल्कुल ए टू जेड जेन्युइन बिल्कुल गाड़ी है। और इसकी जो हमारा जो मैंने आपको पहले बताया कि मेरा कार डिटेलिंग का काम है और मैं गाड़ियाँ काफ़ी हमारी मालूमात होती है लेने देने में, ले भी रहे होते हैं बेच भी रहे होते हैं और डिटेल भी कर रहे होते हैं और इसमें काफ़ी काम है कोटिंग के, डिटेलिंग कोटिंग की भी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसके जो जो ऊपर से निकाल दिए गए हैं और यहाँ से सारी एसी ग्रिलें भी हमने निकाल दी हैं और इसमें नीचे जो फर्श है उसको भी अच्छे तरीके से नीचे रैगजीन निकाल दी है, इसलिए क्योंकि नीचे तक जो डस्ट है ना, जैसे आप देख रहे हैं बच्चों के पार्टिकल और भी काफ़ी ज़्यादा। आपको पता है 2007 मॉडल है तो क्या हाल होगी, जो इतने दिनों के बाद खुलेगी गाड़ी तो उसके नीचे क्या हाल होगी। तो इसके नीचे जो नमदे थे वो भी गल गए हैं। तो हम चलते हैं इंजन की तरफ। माशाल्लाह इनके शॉक बड़े प्यारे हैं और शॉक इतने मजबूत हैं कि मैं कहता हूं कि पुरानी गाड़ियों का अपना ही एक अंदाज़ है। और काफ़ी देख रहे हैं हमारे जो प्यारे भाई, उनसे भी हम मिलते हैं, अगर मिल जाते हैं तो बात करते हैं उनकी गाड़ी का इंजन के बारे में, पूछते हैं कि क्या इंजन किस तरह है। सब हमारे जो प्यारे भाई जिसकी गाड़ी है वो हमें थोड़ा सा मालूमात भी देंगे और इसके बारे में बताएंगे। तो सर ये गाड़ी किस तरह की है और कैसी मज़ा दे रही है गाड़ी आपको, ये थोड़ा हमें बस गाइड कर दीजिएगा। ये गाड़ी भाई बहुत अच्छी है जी। जी इसका जी मार्क 2 है जी। ठीक हो गया। 2007 मॉडल है जी। जी जी। और टोयोटा ग्रैंडी में इसे कहा जाता है जी। सही सही। ये 2003 से लॉन्च हुई है। सही। 2002 से लेके 2007 तक ले आई है गाड़ी पाकिस्तान में। पाकिस्तान। सही सही। मजेदार और अच्छी गाड़ी है। सही सर। इसमें लेवल भी तकरीबन ठीक है, 10 से 12 किलोमीटर करती है लॉन्ग पे। सही सर। सही। जो हमने सेटअप लगवाया गया है जी वो है जी स्क्रीन वाला जी। सही। ये आप देख रहे हैं जी ये स्क्रीन है जी। गाड़ी जब 120 से ऊपर जाती है ये आपको तो खुद ऑन हो जाता है, गाड़ी की फ्यूल जो है वो 15 किलोमीटर ऊपर चली जाती है। सही। ये गाड़ी 15 किलोमीटर करती है। ये गाड़ी की खासियत है जी ये मार्क है जी ग्रैंडी की जी। हमारे जो प्यारे भाई हैं उन्होंने छोटी सी मालूमात दी, ये प्यारे भाई की अपनी ही गाड़ी है और हमारा सेटअप है स्टूडियो, जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा प्यारा सा स्टूडियो है और इस स्टूडियो के अंदर हम कार इसकी कर रहे हैं कंप्लीट डिटेलिंग और डिटेलिंग के तो मालूमात बहुत अच्छी मिली है प्यारे भाई की गाड़ी से। बहुत ही अच्छी बात है कि हम आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी देंगे प्यारे भाई की गाड़ी किस तरह की है और 2000 cc इंजन इसको क्या मज़ा इन्जॉय कर रही है क्या नहीं कर रही। तो मैं बस इसकी बस एक चीज़ है क्योंकि हमारा जो डिटेलिंग का काम है और इसमें क्या क्या उन्होंने बारे में बताया है और इसकी मालूमात जो आपको मैं बताने वाला हूँ प्यारे भाई, जो मुझे अच्छी इस गाड़ी लगी है कोई इतनी पुरानी गाड़ी और पुरानी गाड़ी का इतना मजबूती जो नई गाड़ियों के अंदर क्यों नहीं है, क्योंकि उनकी इतनी अच्छी सेफ्टी। थोड़ा सा शोर जरूर मैंने निकाली क्योंकि मेरे साथ वॉशर चल रहा है और क्योंकि मैं वॉशर इसलिए थोड़ा आप लोगों को बोल भी रहा हूँ, कम आर शोर हो रहा होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मुझे ये जो इनके जो वाजे शो हुए हैं क्योंकि इनके जेन्युइन पार्ट्स हैं और इतने अच्छे प्लास्किट हैं कि इतने प्यारे कि मैं कहता हूँ कि क्या बात है इस प्लास्किट की, क्योंकि मैं इस यहाँ से हमारा जो ड्रिलिंग का काम है ना तो यही चीज़ें ये होती है ना चीज़ें दरवाज़ों की, ये वॉश करना हमारे लिए ज़रूरत है, इसलिए मैंने निकाल दी कि मैंने कहा जाए इनके अंदर पानी ना चला जाए, इसको निकाल के अच्छे तरीके से साफ़ कर दी, जैसे कि मैंने एसी ग्रिलें भी निकाली हैं वो वाली भी। तो बस मैं ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि ये जो इनके इंटीरियर है ना, जो सैडो के पापड़ी हैं इंटीरियर हैं, मैं कहता हूँ कि क्या बात है इनके इंटीरियर की और क्या ही मज़े की चीज़ें हैं इनके जो गाड़ी
जो जिस बंदे ने बनाई है उसका अपना ये कोई अंदाज था जो उस बनाने में इतनी मजबूती, और बहुत ही प्यारी सेंसरों सेंसर वाली जो गाड़ी है, तो इतनी मज़े की गाड़ी होगी तो मैं खुद मुतमिन हो गया मेरे पास भी इसी तरह की गाड़ी हो। जैसा कि मैंने ये सारी चीज़ें निकाल के इसको अच्छे तरीके से, एसी ग्रिलें ये भी निकाल के इसको अच्छे तरीके से साफ़ भी हो जाएंगी, वॉश हो जाएगी। तो चलते हैं बॉडी की तरफ। ये देखें जी इतनी मज़े की बॉडी है, मैं कहता हूँ जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं उनकी तो बॉडी भी नहीं है कुछ, वो तो बॉडी कैसी है कि जैसे पीपा होती है गाड़ी। तो वो ये मैं कहता हूँ क्या बात है इन गाड़ियों की, अपना ही इस गाड़ियों का अपनी ही गाड़ियों का अंदाज़ है जी। तो बस ये वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिए, क्योंकि मैं आप लोग के तावन से ही इंशाल्लाह मोहब्बत से आप लोगों को आगे के मालूम भी दूंगा, जिसमें क्योंकि मेरा छोटा सा काम है, डिटेलिंग का काम है, छोटा मोटा एक डिटेलर हूँ और छोटा छोटा चलता रहता हूँ सिस्टम आप लोगों के सामने। तो बस ये मार्ग मैंने कहा एक गाड़ी गारंटी प्यारे भाई को बता दूँ, क्योंकि ये देख रहे हैं ये छोटी सी जो हमारी मोटर है ना, ये बड़ा शोर करती है, और शोर की वजह से मैं ना आप लोगों को बताना चाह रहा था, क्योंकि ये जो शोर है ना हमारा, इस मोटर का शोर आ रहा है, क्योंकि वो वॉशर भी ज़रूरी है। देख रहे हैं इनके, क्योंकि ये हमारी जो आपको चल के दिखाते हैं कि मैंने अंदर से क्या क्या चीज़ें खोली हैं। जैसे कि ये देख रहे हैं डिग्गी से मैंने सारी चीज़ें निकाल दी हैं ओवरऑल, और डिग्गी में इसमें निकाल के कहाँ रखा हुआ है वो देख रहे हैं, ये भी पड़ा हुआ है इंटीरियर। और चलते हैं बाहर की तरफ, चलते हैं दिखाते हैं जी। ये देखें जी मैंने इसकी सारी चीज़ें निकलवा दी हैं, और इसके अंदर जो सीटें नीचे पर इंटीरियर छोटे से छोटे जो पार्ट्स है ना हमने निकाल के ना इसको अच्छे तरीके से, ये देख रहे हैं कारपेट को भी निकाल के इधर कर दी है, जो जो चीज़ें इधर जहाँ जहाँ मिल रही हैं जगह धूप के अंदर, क्योंकि हम इसको ड्राइव ही तो करना है ना भाई। इसलिए वीडियो को देखिएगा इंशाल्लाह मज़ा भी आएगा, आप फॉलो करते रहिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बड़ी बड़ी मज़े की वीडियो और गाड़ियाँ लाता रहूँगा इंशाल्लाह, और आप लोगों तक पहुँचते भी रहेगी। अगर ये प्यारे हजरत भाई गाड़ी सेल करना चाहते तो अगर आपको पसंद आ रही है गाड़ी, अगर आप लोगों को चाहिए तो गाड़ी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर ये गाड़ी फॉर सेल है तो इंशाल्लाह मैं प्यारे भाई से लेके भी दे सकूँगा, क्योंकि बहुत ही मोहब्बती बंदे हैं, बहुत ही मोहब्बत वाले हैं, क्योंकि इनको गाड़ी इसी तरह की गाड़ी एक और चाहिए। तो अगर आपके पास प्यारे भाई के पास किसी के पास अगर कोई गाड़ी है तो वो बताएं ज़रूर, इंशाल्लाह वो गाड़ी भी इंशाल्लाह इनको ला के देंगे, मैं भी ढूंढ के दूंगा, क्योंकि मैं कोशिश पूरी करूँ बहुत अच्छे जब मुलाकात हो जाए इंशाल्लाह, तो वो तो कि अपना एक अंदाज़ है। चलें जी ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, नेक्स्ट वीडियो पर मिलेंगे, दुआ में याद भी रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।